हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सकिनास क्रिएटिव्स कुकिंग कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही मजेदार धमाकेदार चिकन रेसिपी, रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए हम बनाते हैं। कौन सा चिकन बनाया है बताते हैं आपको आगे। आज हम लाहौरी चिकन बना रहे हैं, इसीलिए हमने लिया है 1 किलो चिकन। तो हम क्या करेंगे, पहले चिकन को इसमें डाल देंगे। अभी डालेंगे हम अदरक लहसुन और मिर्चा का पेस्ट। इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन मिर्चा का पेस्ट। अभी डालेंगे हम 2 चम्मच दही। ये 2 चम्मच दही हम डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक, थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा 1 चम्मच और 1 चम्मच ये मिर्चा पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे हम जीरा पाउडर, थोड़ा डालेंगे हम एक गरम मसाला पाउडर। हम इस सबको मैरिनेट कर लेंगे। हम इसमें सब मसाले चढ़ा चुके हैं। फिर इसमें अब डालेंगे हम बिरिस्ता को, हम बना लिया है, आपको दिखाया था। ये हमारे मसाले में देखो, मुर्गी ने बहुत अपने से मिला लिया है और अपने साथ एकदम दोस्ती कर ली है। अभी हम डालेंगे इसमें बिरिस्ता। ये हमने बिरिस्ता को तैयार कर लिया है। इसको हम, ये हमारा बिरिस्ता हमने मुसल लिया है, इसको भी हम मिला लेंगे। इसके साथ पूरा मिक्स कर लेंगे, दोस्ती करा देंगे दोनों की। तो हम भी चलो दोस्ती करा लेते हैं। ये हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है, हमने अंदर सब कुछ दे दिया है, हल्दी मिर्चा धनिया अदरक लहसुन गरम मसाला। थोड़ा सा हम वघार में गरम मसाला देंगे, उसके बाद डायरेक्ट चिकन देके हम धीमे आंच में इसको पकाने छोड़ देंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको चाप लेंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लावर। ज़्यादा हमको कॉर्नफ्लावर देने का ज़रूरत नहीं है, ताकि हमारे चिकन कोट करके रहे अपने के साथ दोस्ती करके ही। समझ गए ना दोस्तों? इसको अब बंद करके हम थोड़ी देर के लिए रख रहे हैं। जब ये चिकन मैरिनेट किया हुआ है, उसको हम पकाने जा रहे हैं। तो जिसमें हमने बिरिस्ता बनाया है, वही तेल में ही हम अपना चिकन पकाएंगे, ताकि बिरिस्ते का जो स्वाद है वो अंदर ही रह जाए और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बने। तो हमने लिया है इसके लिए 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ा इलायची, 3 छोटा इलायची, लौंग और मिरी, और स्टार 2 स्टार डालेंगे। ज़्यादा गरम मसाला का उपयोग नहीं करेंगे। ये स्टार दिया, तेल गरम होने देंगे, उसके बाद हम गरम मसाला डाल के अपना जो चिकन मैरिनेट किया हुआ है उसको इसमें पका लेंगे। हम गरम मसाले डालेंगे, 1 बड़ा इलायची, 3 छोटा इलायची, मिरी, 3 लौंग, सिनेमन स्टिक, स्टार एंड तेज पत्ता। इसको हम, अभी हमारा तेल गरम हो चुका है, डाल देंगे अंदर। अभी थोड़ा सा हल्का फ्राई करेंगे और अब डालेंगे हमने जो चिकन मैरिनेशन करके रखा है, उसको आहिस्ता से हम अंदर दे देंगे। हमारा मसाला गर्म हो चुका है, तो अभी हम धीमा आंच में रखा है 2 मिनट, उसके बाद तेज आंच करेंगे, उसके बाद धीमा 2 मिनट करके फिर 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसको पकने के लिए। ये हमारा चिकन बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार पक जाता है, और टेस्ट में हम क्या बताएं आपको। आप खाओगे तभी, बना के तभी आपको पता चल सकता है कि कितना अच्छा टेस्टी बनता है ये चिकन। इसको बोलते हैं लाहौरी चिकन। तो थोड़ी देर 2 मिनट 3 मिनट हम ऐसे ही पका लेंगे। इसको हम अभी ढक्कन बंद करके 20 मिनट के लिए धीमा आंच में छोड़ देंगे चिकन को पकने के लिए। नमक चख लेते हैं। वाओ, बहुत अच्छा, सब तरह का मसाला एकदम परफेक्ट पड़ चुका है। अभी हम इसको धीमा आंच में पकाएंगे। 10-12 मिनट हो चुका है, एक बार हम देख लेते हैं। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है,
थोड़ी देर के लिए अभी और पकाना है हमको। चिकन देख लेते हैं अभी कितना पका हुआ है। चिकन ऑलरेडी पक चुका है, बस थोड़ी देर और 5 मिनट पकाना है हमको। आज को हम फुल कर दिया है, दिखने में भी सुंदर चखा तो। इसके अंदर थोड़ा सा हम डालेंगे, थोड़ा ये पानी खत्म हो जाएगा उसके बाद क्रीम। थोड़ी देर इसको बंद कर देंगे, 5 मिनट के लिए फुल आंच पे रहने देंगे। पानी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अंदर थोड़ा सा हम आधा कप जितना दूध डालेंगे, इसका कलर और इसके अंदर जो सॉफ्टनेस और इसका हल्की मिठास जो पकड़नी है ना, वो इससे ही पकड़ाई जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनता है ये चिकन। और हल्का सा डालेंगे हम इलायची पाउडर, थोड़ा सा देंगे हम इलायची पाउडर। और हम जावित्री और जायफल को नहीं खा रहे हैं, इसलिए आप अगर खाते हो तो अंदर दे सकते हो उसका स्वाद, हम नहीं खा रहे हैं तो हमने नहीं दिया है। एकदम मसालेदार और बहुत ही टेस्टी चिकन बने और ग्रेवीदार, देखिए कितना अच्छा ग्रेवी लग रहा है। अभी हम थोड़ा सा डालेंगे क्रीम, 2 चम्मच जितना डालेंगे हम क्रीम। क्रीम को हम मिला देंगे, तीन चार मिनट के लिए पकने के बाद हम धनिया डाल के बंद करेंगे उसको। ये हमारा तरकारी कंप्लीट हो चुका है। आज हम बनाए लाहौरी चिकन, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। ये हमारा चिकन कंप्लीट हो चुका है, अभी थोड़ी देर के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा धनिया देके रख रहे हैं। अभी इसको गैस को करेंगे बंद और इसको करेंगे बंद। अभी 10 मिनट बाद हम परोस के दिखाते हैं कितना अच्छा बनाए। यह हमारा लाहौरी चिकन बन के एकदम तैयार हो गया है और खाने में आपको क्या बताए, इतना टेस्टी बनता है। आप बना के इस तरह देखोगे तब आपको पता चलेगा कि लाहौरी चिकन बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। तो आप इस तरह लाहौरी चिकन बनाओगे, अच्छी अच्छी रेसिपी ही आपको मिलेगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और बेल आइकन जरूर दबा देना। अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए मैं लाती ही रहूंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय।